नमस्कार, आप देख रहे हैं देसवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ में ज्योति सिन्हा। भागलपुर के लक्ष्मीपुर गोसाई गांव का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। बतला दें कि यहां पर एक युवक ने अपने परिवार वालों को तो धोखा दिया ही, लेकिन पुलिस वालों को भी धोखा दिया है। दरअसल एक युवक ने गेम खेलने के बहाने तीन पत्ती गेम में 1,30,000 रुपए लुटा दिए और खुद को बचाने के लिए परिवार वालों और पुलिस को यह बतलाया कि बैंक से पैसे निकालने के बाद उसके साथ में लूटपाट हुआ और बदमाश उसके पैसे लेकर भाग गए। लेकिन आपको बतला दें कि इस पूरे मामले पर पुलिस जब जांच में जुटी तो सब कुछ साफ हो गया। पुलिस ने इस पूरी गुत्थी से पर्दा हटा दिया। दिनांक 9 तारीख को एक केस दर्ज हुआ था गोपालपुर थाने में लूट का। उसमें एक निशांत कुमार राज लड़का थाने में रिपोर्ट करता है कि हम पैसा निकाल के बैंक से, यूको बैंक से घर जा रहे थे। वो जो लोहा पुल लोहा पुल देख रहे हैं, बढ़ते हैं गोसाई गाँव चौक से आगे बढ़ते हैं, लक्ष्मी चौक से आगे बढ़ते हैं, इस्माइलपुर रोड जाती है, उसी में बोला कि मेरा गाड़ी रिजर्व लग गया, दो अपराधी आया पीछे से, एक मेरा हाथ पकड़ लिया, पैसा मोबाइल सब छीन लिया। घटना की जानकारी मिलते ही SDPO साहब उसी दिन घटनास्थल पर पहुँचे। थाना प्रभारी गोपालपुर, थाना प्रभारी इस्माइलपुर दोनों पहुँचे, तहकीकात करना शुरू भी कर दिया था। अगले दिन मैं भी PO पर गया था। लड़का हमारे सामने पूछताछ नहीं आ पाया था, उसके पिताजी आए थे, पूछताछ चला पता कि लड़का अब कल थाना ला के फ़ोन बंद उसका है, सुबह से फ़ोन बंद है, सामने आ ही नहीं रहा है। तो प्रथम दृष्टिया एक मन में सब पैदा हुआ कि क्या बात है, जब केस थाना में करता है लूट हुआ है तो फिर वो सामने क्यों ना रहा है, पुलिस से दूर क्यों भाग रहा है। तो फिर जो विशेष टीम बनाई गई थी SDPO के नेतृत्व में, वो गहराई से छानबीन करना प्रारंभ किया। तो छानबीन क्रम में जो बातें सामने आई कि बैंक से पैसा उस दिन निकला ही नहीं, तो बोला कि हम बैंक से पैसा निकाल के जा रहे हैं, तो पैसा उस दिन निकला ही नहीं। तो फिर लड़का को सामने लाया गया, उससे पूछताछ की गई। तो पूछताछ करने में चला पता कि उसको तीन पत्ती ऑनलाइन ताश एक होता है, रमी, तीन पत्ती रमी ऑनलाइन बच्चा खेलता है, तो उसमें किस लत लग गई थी, पिछले एक साल से खेल भी रहा है और वो पहला बार खेल में जीता, 30,000 पर जीत गया। फिर आगे वो हार गया, 70,000 पर हार गया, फिर खेला 50,000 हार गया, तो वो बहुत मतलब प्रेशर में आ गया था। लेकिन जो लत लग जाती है ना, वो सोचा कि जो पैसा हार गया हूँ क्यों नहीं फिर से खेलें, पैसा वापस आ जाएगा। तो फिर वो खेला, पिताजी का पैसा भी 50,000 इसके अकाउंट में, पिताजी अपना पैसा इसी अकाउंट जमा कर दिए थे, तो 50,000 वो जमा किए, 70,000 रुपया जो उसके चाचा थे वो जमा किए थे, 1,20,000 हो गया, 10,000 ये टेंट का काम करता है वो पैसा वो जमा किया था, ये ऑल सबसे हार चुका था, ये 50,000 70,000 ना, तो वो अब पैसा को एडजस्ट करने के लिए, पिताजी को आंख में धूल झोंकने के लिए एक लूट का केस, झूठा केस दर्ज कराया। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए देसवा न्यूज। देसवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।